प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर लालू यादव को फंसाया है केस में, पता नहीं हमको नहीं मालूम है को किसने क्या कहा। नहीं, किस मामले में उनके ऊपर जो चार्जेज हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके बाद कोर्ट का फैसला होता है, तो इसके में जो चीज कोर्ट में है और उसके बाद में उसके बारे में कोई बात कहना, तो हम लोग को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसी तो कभी बात नहीं सुने उनको तो इसके। सर प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर लालू यादव को फंसाया है केस में, पता नहीं हमको नहीं मालूम है को किसने क्या कहा। नहीं, किस मामले में उनके ऊपर जो चार्जेज हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके बाद कोर्ट का फैसला होता है, तो इसके में जो चीज कोर्ट में है और उसके बाद में उसके बारे में कोई बात कहना, तो हम लोग को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसी तो कभी बात नहीं सुने उनको तो इसके। नहीं, देखिये ना, कई बार उनको तो इस मामले में कई आरोप है, उसमें से कई में तो उनको हो चुका है, अब बाकी जो बचा है उस पर भी कुछ फैसला हुआ है, तो इसमें तो कोई कमेंट की बात ही नहीं है, पता नहीं कौन क्या बोलता है। सर, यूपी जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे, रिम्स में लोग जो इसे मिलने जा रहे हैं, आरजेडी के लोग वहाँ पे रिम्स में। नहीं, ये हमको जानकारी नहीं। सर, यूपी चुनाव में आप प्रचार करने के लिए जाएंगे? नहीं, हमारे पार्टी के जो लोग डर रहे हो रहा, पार्टी के लोग तो काम कर ही रहा है, पार्टी के लोग काम कर रहा है अपने ढंग से, सब जानते ही है, पार्टियां तो सब जगह जहाँ कहीं भी रहती है। पिछली बार हम ही नहीं कब उस समय थे, मना कर दिए थे, लेकिन इस बार सब लोगों की इच्छा थी तो लड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। और उसमें दूसरे दूसरे राज्यों के भी लोग जो भी हैं, पार्टी के लोग सब जा ही रहे, जाते हैं, लोग करते हैं अपना, उसके पक्ष प्रचार, कोई दिक्कत नहीं। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को आप लोग लगातार उठाते रहे हैं, प्रधानमंत्री से क्या इस बारे में बात आप लोग करेंगे आगे? क्यों, इसके लिए तो हम लोग को जो बात कहनी है लिख करके भी भेजे हैं, इसके बारे में पहले भी बातचीत करते रहे हैं, अभी जो आप जानते ही हैं कि जो कुछ भी सारा सब कुछ आयोग का जो कुछ भी आया है, और उसके बाद जो बिहार को सबसे पीछे पिछड़ा बताया, तो उसी के आधार पर तो राज्य सरकार की तरफ से लिख कर के भेजा गया है कि बिहार में तो हम लोगों ने इतना काम किया और आपने जो असेसमेंट किया उसके हिसाब से सबसे पीछे है, पहले भी सबसे पीछे है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूर मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। ये सारी बातें हो रही हैं पहले से भी, हम लोग आप तो इसके लिए जानते होंगे कि कितना बड़ा अभियान हम लोगों ने पहले से चलाया है और इसके लिए सब कुछ करते रहे, इसलिए चलिए सब सब ठीक। वो तो बात है ही हुई, वो तो अभी चल रहा है, बीच में चुनाव उनाव जरूर होगा। हेलो, नहीं तो